वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने क्रिटिक यानी कि क्रिटिक केआर के जी जिस तरह से वो क्रिटिक करते किसी फिल्म को क्रिटिसाइज करते किसी एक्टर को क्रिटिसाइज करते यू नो मतलब बवाल मच जाता है, मतलब कोर्ट तक बात चली जाती है। उनका बोलने का जो तरीका है वो जिस तरह से लोगों का कितना इंसल्ट भी करते हैं कितने स्टार्स का, मतलब लोगों को देखने को भी उनका वीडियोस मज़ा आता है। लोग बोलते हैं केआर के जैसा कोई है ही नहीं, मतलब जो मतलब किसी भी एक्टर की बैंड बजा सकता है। तो वो तो है ही इज द मतलब एकदम ज़बरदस्त क्रिटिक है वो, मतलब एकदम बिंदास बोलते हैं वो, इज़ नॉट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ एनीबडी। तो वो तो है ही, लेकिन शायद आज की जनरेशन को पता नहीं केआरके से भी एक बढ़कर थे जो फेस टू फेस लोगों को इंसल्ट करते थे। केआरके जी तो वीडियो बनाते और वीडियो में अपना गुस्सा जाहिर करते, वो लोगों का इंसल्ट वीडियो में करते, जो जिनका इंसल्ट करते वो उनके सामने नहीं होते। लेकिन एक एक्टर थे तो जाने माने जानी यानी कि राजकुमार साहब, वो एक ऐसे एक्टर थे वो हर एक पूरी बॉलीवुड का इंसल्ट करते थे वो, और वो भी फेस टू फेस किसी भी एक्टर का इंसल्ट फेस टू फेस करते थे। मुझे तो बहुत सारे किस्से याद है लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा, मतलब वो कुछ एक्टर लोग बुरा मान जाएंगे, चाहे वो सभी का उन्होंने इंसल्ट किया है और वो भी फेस टू फेस। ऐसे नहीं कि उस ज़माने में तो ये सब था नहीं, जब राजकुमार जी थे तो उस ज़माने में तो ये सब था नहीं, यूट्यूब या वीडियोज़ बना के वो सब था नहीं, सिर्फ मैगजीन थे तो कुछ लोग तो मैगजीन में कुछ बोल देते थे उल्टा। लेकिन राजकुमार जी फेस टू फेस कोई भी एक्टर हो, चाहे वो सलमान खान हो या गोविंदा हो या पुराने ज़माने के कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, वो सभी का इंसल्ट फेस टू फेस करते थे। तो उनका मिजाज ही ऐसा था, दैट्स वाई ही इज़ द ओनली एक्टर आई गेस इन द वर्ल्ड आई थिंक जिनके डायलॉग सुनने के लिए लोग थिएटर में जाते थे। जब उनके जूते दिखाते थे वाइट जूते, उनका एक पाइप दिखाता था जो स्मोक करते थे, सिर्फ उतना दिखा दिया लोगों ने सीटियाँ बजा दी, उतना पावर था उनका। तो वो बिंदास लोगों का इंसल्ट करते थे, हालांकि केयर के जी भी करते हैं लेकिन वो वीडियो में करते हैं। ही वॉज फेस टू फेस और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें कुछ बोल सके। डेट वॉज द पावर ऑफ जानी यानी के राजकुमार साहब। आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा, शायद जो भी 15-20 साल की उनको शायद पता ना हो, लेकिन आप हिस्ट्री चेक करो तो आपको पता चलेगा कि राजकुमार साहब कौन थे। तो अगर केयर के है आज के ज़माने में इंसल्ट करें लोगों का, तो राजकुमार 70s और 80s के केयर के थे, पर केयर के से भी बढ़ के थे वो, मतलब इतना धमाका मचाया था उन्होंने उस वक्त ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन, जो कोई मचा ही नहीं पाएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ हिज डायलॉग डिलीवरी। तो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, गुड बाय। God bless you all.